हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार में अच्छे से होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। आज हम आप लोगों को बाल झड़ने के उपाय बताएंगे, क्योंकि इस टाइम हम लोगों का खान पीन सही नहीं है, इसलिए बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि हम बता नहीं सकते। बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ये देखिए मेरा बाल है, इतना ज़्यादा ज़्यादा निकल रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि 2-3 महीने में आदमी टकला हो जाएगा। बहुत ही झड़ रहा है, इसलिए मैं कुछ प्रोडक्ट यूज करूँगी जो आप लोगों को सारी वीडियो डिटेल्स में दिखाऊँगी। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और बहुत ही अच्छा उपाय है, घरेलू उपाय है, जो कि सारे लोग ज़्यादा टाइम तो रहता नहीं है, फिर भी समय निकाल के आप लोग यूज करिए, हफ्ते में 2 बार यूज करिए थोड़ा। और यूज करने के बाद हम आप लोग कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये उपयोग आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मैंने अपने ऊपर ये प्रोडक्ट यूज़ किया है। घर का घरेलू जो एलोवेरा प्याज वाज सब आप लोग घर में होता ही है, तो आप लोग भी इस चीज़ को यूज करिए और हमको बताइए, क्योंकि अभी पहले दिन लगाएंगे तो बाल तो झड़ेगा ही, फिर 1-2 बार यूज करने के बाद बताइएगा कैसा होता है। तो आगे चलिए हमारे वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं। तो ये है फ्रेंड्स एलोवेरा, जो कि बहुत ही पुराना हो चुका है और बहुत पुराना हो चुका और इसका फ़ायदा भी होगा। तो हम इसमें से 3 कलियां निकाल लेंगे, फिर इसके बाद से हम लेंगे ये है अड़हुल का फूल, जो भी लगाया गया तो इसमें से भी एक तोड़ लेंगे। अब हम एलोवेरा को अच्छी तरह से छील लेंगे, छील करके कटोरी में रख लेंगे, जो कि मैंने रख लिया है छील करके। इसके बाद से हम लेंगे एक प्याज, जो कि एक प्याज लेंगे, इसको भी छील के काट करके रख लेंगे। और एक अदरक ले लेंगे, इसको भी कट करके रख लेंगे। एक इसको रखने के बाद एक अड़हुल का फूल भी ले लेंगे। उसके बाद से एक नींबू ले लेंगे, जो ये पूरा हो गया है फिर भी इसमें रस है तो इसको भी हम लोग यूज करेंगे। अब चलते हैं, हम मिक्सी लेंगे, मिक्सी में हम सारे चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। तो मैंने अब सब एक एक करके सब हम रख लेंगे इसमें अच्छे से। इस एलोवेरा का यूज हर प्रोडक्ट में करते हैं लोग, तो हम इसको अच्छे से रख लिए हैं। अब सब कुछ इसमें हम एक एक करके रख लेंगे। आप लोग सब कुछ एक साथ जैसे भी रख सकते हैं रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे रख रहे हैं उसी तरह आप लोग भी एक एक करके रखें। आप सब कुछ बस मिक्सी में आना चाहिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। हम नींबू भी उसी में निचोड़ लेंगे पूरे अच्छे तरीके से। सभी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मैंने किया है। अभी कुछ चीज़ें इसमें छूट गई है जो कि हम पूरा रख लेंगे, क्योंकि अभी जगह खाली है। अभी सब थोड़ा नींबू एक बच गया था तो इसको भी हम रख लेंगे उसमें अच्छे से। पूरे अच्छे तरीके से सारा रस निकाल लेंगे। सारा रस निकालने के बाद फिर हम रख के इसको अच्छे तरीके से बंद कर देंगे और बंद करके इसको पकड़े रहेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ मिक्सी में पीसते हैं और उसका गैप को छोड़ दें, अगर ना पकड़े रहें तो वो ढक्कन हट जाता है और वह पूरा एकदम फैल जाता है घर में। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान दे के ध्यानपूर्वक दे के तरीके से इसको मिक्स कर लिए और ये पूरा ग्राइंड हो चुका है और इसका लुक बहुत ही प्यारा है आया है, हल्का पिंक कलर। देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिए हैं।
पूरा बारीकी तरीके से इसको मिक्स कर लिया। अभी इसको एक कटोरी में हम पूरा एकदम साफ से निकाल देंगे, इसको पूरे अच्छे तरीके से आप अपने हाथों से या चम्मच से निकाल करके वो कर लीजिए। मैं हाथों से पूरा निकाल लूँगी इसको। इसको हम ले चलते हैं, इसमें हम डालेंगे ऑयल, जो कि हम बालों में जो भी यूज करते हैं, आपको जो भी पसंद है। मुझे तो सरसों का तेल ही पसंद है और इसके सिवा हम कोई भी यूज नहीं करते। और घरेलू में सरसों का तेल बहुत ही फायदेमंद है, तो इसको हम अपने लगाने अनुसार उसमें डाल करके चम्मच से या उंगली से मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, पूरा फेंट लेंगे इसको। मैंने पूरा इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब हम बाल को धुल लिए हैं, ये सूख चुका है, तो अब चलेंगे हम लगाने। वीडियो भी हमको अकेले ही बनाना है, इसलिए अब हम चलते हैं इसको अच्छे तरीके से, जिस तरह से मेहंदी लगाते हैं उस तरह से। किसी से आप अपने हाथों से लगा सकते हैं ऑयल की तरह, जैसे पूरा लेप लगाते हैं। तो हम पूरे अच्छे तरीके से अपने अंदर तक, पूरे अंदर से लेके बाहर तक, पूरे जड़ों में से लेके नीचे तक पूरा लगाएंगे। खूब अच्छे तरीके से लगा लेंगे इसको हम। आप लोगों को भी इसी तरह से लगा लेना है। और लगाने के बाद इसको आधे से एक घंटे तक इसको छोड़ देना है। जब ये थोड़ा हो जाए तो फिर आपको अपने बालों को धुल लेना, जो कि मैंने धुल लिया है। अब इसको हम सुखाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे बाल सूख गए हैं। जो लगाया था वो थोड़ा बहुत उसमें है, वो तो सूखने के बाद सब निकल जाएगा। और अब थोड़ा कुछ कम हुआ है मेरा।